श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब क्षेत्र क्षर अपरापरापर और अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सत असत हो के पार में सब नाम रूप के पार में मन बुद्धि वच के पार में गो गुण विषय पंच पार में गति भांति के हो पार में सूरत निरत के पार में सब द्वंद्व द्वैतन पार में आहत अनाहत पार में सारे प्रपंचन पार में सापेक्षता के पार में त्रिपुटि कुटि के पार में सब कर्म काल के पार में सारे जंजालन पार में अद्वय अनामय अमल अति आधेयता गुण पार में सत्ता स्वरूप अपार सर्वा धर्म तो पार में पुनि ओम सोहम पार में अरु सच्चिदानंद पार में है अनंत व्यापक व्याप्य जो पुनि व्याप्य व्यापक पार में है हिरण्य गर्भ खार्व जासो जो है शांतन पार में सर्वेश है अखिलेश है विश्वेश है सब पार में सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में सदगुरु करुणा कर तर ठहर धर में जावे पार में सब क्षेत्र क्षर अपरापरापर और अक्षर पार में सब संतन की बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी सब संतन की बड़ी बलिहारी उनकी स्तुति केही विधि की जय मोरी मति अति नीच अनाड़ी सब संतन की बड़ी बलिहारी दुख भंजन भाव फांदन गंजन ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारी सब संतन की बड़ी बलिहारी धनी ऋषि संतन
धन्य बोध जी शंकर रामानंद धन्य अधारी धन्य है साहब संत कबीर जी धनी नानक गुरु महिमा भारी सब संतन की बड़ी बलिहारी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तुलसी साहब अति उपकारी दादू सुंदर सुर स्वपच रवि जग जीवन पलटो भय हारी सब संतन की बड़ी बलिहारी सतगुरु देवी अरुजे भये हैं होंगे सब चरणन सिरधारी भजत में ही धन्य धन्य कही गई संत पद आशा सारी सब संतन की बड़ी बलिहारी मंगल मूरति सतगुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करण विनवा बारंबार ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहु बारही सकल सुपोजन भो सकल भूल नाशक प्रभु सतगुरु परम कृपाल नमो कंज पद युग पकड़ी सुनु प्रभु नजर न्याल दया दृष्टि करी नासिए मेरो भूल अरुचु खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरिना पानी जोड़ी कहुकु नमो गुरु सत गुरु नमो 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 गुरुदेव नमो विघ्न हरता गुरु निर्मल जाको भेव ब्रह्म रूप सत गुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रूप राम दिवाकर रूप गुरु नाशक भ्रम तमको नमो सुसाहब सतगुरु विघ्न विनाशक दयाल सुबुद्धि विगासक ज्ञान प्रद नाशक भ्रम तम जाल नमो नमो सतगुरु नमो जासम को न आन परम पुरुष होते अधिक गावें सम जय जय परम प्रचंड तेज तम मोह विनाशन जय जय तारण तरण करण जन शोध बोध सन जय जय बोध महान आन को सरवर नाय सुर नर लोकन माई परम कीरति सब ठाई
सतगुरु परम उदार है, सकल जयति जय जय करें, तम अज्ञान महान अरु भूल चूक भ्रम मम हरे, जय जय ज्ञान अखंड सूर्य भवती मीर विनाशन, जय 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 सुख रूप सकल भवत्रास हरासन, जय जय संस्कृति रोग सोग को वैद्य श्रेष्ठतर, जय जय परम कृपाल सकल अज्ञान चूक, जय जय सतगुरु परम गुरु अमित अमित परिणाम मैं नित्य करूं सुमिरत रहूं, प्रेम सहित गुरु नाम में जयति भक्ति भंडार ध्यान अरु ज्ञान निकेतन, योग बतावनिहार सरल जय जय अति चेतन, करण हार बुद्धि तीव्र जयति जय जय गुरु पूरे, जय जय गुरु महाराज उक्ति दाता अति रूरे, जयति जयति श्री सतगुरु जोड़ी पाणी योग पद धरो चूक से रक्षा कीजिए, बार बार विनती करो भक्ति योग अरु ध्यान को भेद बतावनिहारे, श्रवण मनन निधि ध्यास सकल दर्शावनिहारे, सतसंगति अरु सूक्ष्म वारता देहि बताई, ओ कपट पर मोदार नु कछ गुरु धर छिपाई, जय 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 सत गुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग समा, कृपा दृष्टि करिए हरि योक्ति वेदंग मम, अव्यक्त अनादि अनंत अजय अज आदि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधराज न से कहिए स्फोट है सो है स्फोट, वही उदगीत वही ब्रह्म नाद शब्द ब्रह्म ओम, वही अति मधुर प्रणव ध्वनि धार, वही है परमात्म प्रतीक, वही प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम, वही है
सार शब्द सत शब्द वही है सत चेतन अव्यक्त वही व्यक्तों में व्यापक नाम वही है सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही सर्वकर्षक हरि कृष्ण नाम वही है परम प्रचंडिनी शक्ति वही है शिव शंकर हर नाम वही उन्हीं राम नाम है अगुण वही है अकथ अगम पूर्ण काम वही स्वर व्यंजन रहित अघोष वही चेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही है एक ओम सत नाम वही सेवित प्रभु का नाम वही मुनि सेवित गुरु का नाम वही भजो ओम ओम प्रभु नाम यही भजो ओम ओम यही नाम यही भजो ओम ओम प्रभु नाम यही भजो ओम ओम मेहि नाम यही जो परम तत्व आदि अंतरहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे हैं उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपरा जड़ और पराचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है जो माइक विस्तृत तत्व विहीन है जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पद व परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है प्रकृति आदि अंत सहित है और सृजित है मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है मानस जप मानस ध्यान दृष्टि साधन और सत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है झूठ बोलना नशा खाना व्यभिचार करना हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना सदगुरु की निष्कपट सेवा सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए श्री सदगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए मृगवारी सम सब ही प्रपंचन विषय सब दुख रूप है निज सुरत को इन से हटा प्रभु में लगाना चाहिए अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो राज ते सबके परे उस अज अनादि अनंत प्रभु में
प्रेम करना चाहे जीवात्म प्रभु का अंश है। जस अंश लव को देखिए घट मठ प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय हो प्रभु की मौज से ये अजा अनाद्या स्वयं है। हर विज न कहना चाहिए आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तन धारी है प्रभु भक्ति कर सकते सभी। अंतर व बाहर भक्ति कर घट पट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर। इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शोध करना चाहिए। घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर छारे कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी प्रभु से होगी एकता। फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी असमानन दृढ़ चाहिए। पाखंड अरु अहंकार तजनिस कपट हो अरु दीन हो। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। सतसंग नित अरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सब संत मत सिद्धांत ये सब संत दृढ़ कर दिए। इन अमल थिर सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए। यह सार है सिद्धांत सबका सत्य गुरु को सेवना। में ही न हो कुछ यही बिना गुरु सेव करनी चाहिए। श्री सदगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं, परंतु संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सुरत सब योग का गौरव संत मत को है, ये तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा
इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथक ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग थोड़ी देर तक गुरु महाराज का ध्यान करें। जय गुरु। श्री सद्गुरु महाराज की जय। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब गो गुरु नाम। संत मता विनु गति नहीं, सुनो सकल देकान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। मेही भेद यह संत मता करिगा, सबको दियो सुनाई के अब तो रहे छुपाई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय, अंतर ज्योत हो तलख लीज, पांच तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करीज, गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दीज, अक्षत नभ तारे मुक्ताल, ओ अपमाल ही हार गुहिज, शेत पान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीज, झलक झांझ मन मीन मजीरा, मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनीज, सर्व सुगंध उड़ी चले आकाशा, मधुकर कमल केले धुनि धीज, निर्मल ज्योत जरत घट माई, देखत दृष्टि दोष सब चीज, अधर धार अमृत बई आवे, सतमत द्वार अमर रस भीज, पी पी होय सुरत मत वाली, चढ़ी चढ़ी उमगी अमीर सरीज, कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लखी लागल बीज, छिन छिन सूरत अधर पर राख, गुरु पर साद अगम रस पीज, दमकत कड़क कड़क गुरु धामा, उलटिया लल तुलसी तन कीज, आरती तन मंदिर में कीज, दृष्टि युगल करसन मुख दीज, चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्जल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीज, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखि निरखि ज्योति तज दीज, शब्द सुरत अभ्यास सरल तर, करी करी सार शब्द गही लीज, ऐसी युगति काया गढ़ त्यागी, अव ब्रह्म वेद सकल मल छीज, भव खंडन आरतिया निर्मल, करी में अमृत रस पीज,
आरती तन मंदिर में कीज दृष्टि युगल कर सन मुख दीज। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सत्संग महात्म की जय, सनातन धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।